नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बोचा उपचुनाव से बड़ी अपडेट आपको बता दें, 16वें राउंड की जो काउंटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 22,864 वोटों से आरजेडी आगे चल रही है। तो लगातार आरजेडी ने जो अपनी बढ़त है, जो अपनी पकड़ है, वो बनाकर रखी हुई है। खासकर अगर हम अमर पासवान की बात करें तो लगातार जीत के दावे अमर पासवान की तरफ से भी किए जा रहे थे। लगातार न्यूज फॉर नेशन आपको हर एक राउंड की अपडेट दे रहा है कि क्या कुछ तस्वीरें बोचा से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच की जो सीधी टक्कर है वो बोचा में इस बार नजर आ रही है। खास करके उपचुनाव की बात करें तो 16वें राउंड के बाद की जो तस्वीर है वहां पर बीजेपी जो है वो इस वक्त रेस में नजर नहीं आ रही। लगातार जो फासला है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आरजेडी इस वक्त जो है 22,864 वोटों से आगे चल रही है। तो बड़ी खबर है ये तेजस्वी यादव के लिए, अमर पासवान के लिए, जो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे। बोचा की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जब बोचा में उपचुनाव के चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने ये दावे भी जनता से किए कि आखिर जीत कर आने के बाद आरजेडी की तरफ से क्या कुछ काम बोचा में किया जाएगा, जनता को कितना फायदा मिलेगा, और आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि मुसाफिर पासवान को श्रद्धांजलि दी है बोचा की जनता ने, इसीलिए अमर पासवान इतनी ज्यादा वोट जो है वो उन्हें हासिल हुई है और जो बढ़त है वो अमर पासवान ने बनाई है। तो अपनी जीत को लेकर ये बड़ा बयान इस बीच जो है वो बीजेपी की तरफ से सामने आया है, जिसमें मुसाफिर पासवान को श्रद्धांजलि दिए जाने की जो बात है वो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। यानी कि जिस तरह से आरजेडी आगे चल रही है, इसे देखकर जो है थोड़ी सी परेशानी और थोड़ी सी जो है मुश्किल की बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार एनडीए भी अपने जीत का दावा कर रही थी। खुद सीएम नीतीश कुमार बोचा पहुंचे थे चुनावी प्रचार के लिए, लेकिन तस्वीरें एकदम ठीक परे नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी जो है वो अपनी बढ़त बनाकर आरजेडी ने रखी हुई है। 16वें राउंड तक की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त बोचा से सामने आई है, जहां पर यह जो फासला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले राउंड में बस जो है वो बीजेपी आगे चली थी, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई, दूसरे राउंड से लेकर 16वें राउंड तक की काउंटिंग जो है वो अपूरी हो गई है। और इस 16वें राउंड के जो नतीजे सामने आए हैं, जो रुझान बोचा से सामने आए हैं, वहां पे 22,864 वोटों से आरजेडी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर 25 राउंड की जो काउंटिंग है वो बोचा में की जाएगी। आगे भी क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, ये तमाम जानकारी, ये तमाम अपडेट न्यूज फॉर नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।